पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में पटना से आए मेदांता हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर के द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क शिविर लगाया गया, जिसमें कैंसर रोग, किडनी रोग, मूत्र रोग, हृदय रोग, पेट एवं आंत रोग के विशेषज्ञों के द्वारा जांच कर इलाज किया जा रहा है। इस मौके पर मेदांता हॉस्पिटल के मैनेजर आशीष तिवारी भी मौजूद थे। मेदांता हॉस्पिटल से आए डॉक्टरों ने बताया कि GMCH में दूसरी बार निःशुल्क शिविर लगाया गया है, जिसमें मरीजों का स्कैनिंग के जरिए बीमारी का पता लगाया जाता है और उनका बेहतर इलाज हो इसकी जानकारी दी जाएगी और बेहतर इलाज हो जिसको लेकर मेदांता में निःशुल्क इलाज किया जाएगा। क्या कहेंगे सर, पुणे मेडिकल कॉलेज में कैंप लगाया गया है, किस तरह की बीमारियों का चेकअप किया जाता है? तो हम लोग यहाँ पे, मेरा नाम है एक्चुअली डॉक्टर निशांत गौरव, मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, चीफ कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल पटना में। तो हम लोग यहाँ पे कैंसर का स्क्रीनिंग कैंप लगा रहे हैं, तो जो सारे पेशेंट्स आ रहे हैं उनका हम लोग डायग्नोसिस चेकअप कर रहे हैं, नए अर्ली स्टेज में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको अच्छे से अच्छा इलाज दे सके। तो मेदांता हॉस्पिटल में जैसे देखेंगे सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है, कीमो है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है। तो पेशेंट्स का जो जो लो इनकम है, जो गरीब पेशेंट्स हैं, उनका हमारे पास फ्री में इलाज करवाने की सुविधा है। तो कुछ एक सर्टिफिकेट्स चाहिए जिसके लिए गाइडेंस के लिए लोग हैं मेदांता से, और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का बेनिफिट मैक्सिमम हो पाए और अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा अवेलेबल हो। सर, मेदांता की तरफ से कैंप लगाया गया, क्या कुछ खास विषय है? और मेदांता की तरफ से कैंप हमने लगाया है ताकि हम पहली बार जो पेशेंट्स जो पूर्णिया में हैं उनकी सहायता कर सके, और दूसरा जो हमारा एक ज़रूरी मकसद है कि लोगों को अवगत कराना कि मेदांता में क्या फैसिलिटीज़ हैं और जो सरकार के साथ हमारा पार्टनरशिप है उसके उससे कैसे पेशेंट्स फ़ायदा ले सकें मेदांता के बिहार गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप का। ये कैंप फ्री बिल्कुल निशुल्क है? हाँ, बिल्कुल निशुल्क। किस तरह की कैंप में कौन कौन से जांच यहाँ पे लोगों को बीमारी का पता है? पेशेंट्स को पहले तो जनरल चेकअप, जो ब्लड शुगर, बीपी का मॉनिटरिंग और जो होते हैं उनका चेकअप हो रहा है ना। बाकी यहाँ पे स्पेशलिस्ट आए हुए हैं नेफ्रोलॉजी के, जो किडनी विभाग होता है, किडनी विभाग के की तरफ से, कार्डियोलॉजी की तरफ से जो हृदय विभाग हुआ, और कैंसर विभाग की तरफ से स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं जो कि पेशेंट्स को देखेंगे यहाँ पे। मरीजों को क्या सलाह देना चाहेंगे सर? किडनी संबंधी सलाह तो ये देना चाहेंगे कि कोई भी पेशेंट अगर जो बीपी या शुगर का पेशेंट हो, वो अपनी जांच, किडनी की जो जांचें होती हैं वो कराए, और अगर जांच में कोई भी दिक्कत आती है ना तो तुरंत डॉक्टर्स की सलाह ले ताकि बीमारी को पहले पकड़ा जा सके और बीमारी का उपयुक्त इलाज हो पाए। परिचय से, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक रमन है, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ मेदांता पटना से। मेदांता की ओर से शिविर लगाया गया, क्या कुछ खास विषय है? मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार है, मैं मेदांता हॉस्पिटल पटना में कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट में एसोसिएट डायरेक्टर हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में MS हैं और सरकारी तंत्री का सहारा लेते हुए उनकी मदद से कोलेबोरेशन के तहत यहाँ पे हम लोग कैंप कर रहे हैं, और ये दूसरी बार हो रहा है पिछले 3 महीने के अंतराल पे। और पिछले बार भी हम लोगों ने लगभग 33 पेशेंट यहाँ से कैंसर के स्क्रीन किए थे, जिनका बहुत सक्सेसफुल इलाज भी हुआ मेदांता में, क्योंकि मेदांता और बिहार गवर्नमेंट का एक कोलेबोरेशन है जिसमें मेदांता की 1/4 जो बेड है वो बिहार के लोगों के लिए उनको मुफ्त इलाज कैंसर डिपार्टमेंट में या नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका होता है। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे आए हैं, दोबारा हम लोग काम कर रहे हैं और कई पेशेंट हमने देखे हैं यहाँ पर, और इस क्षेत्र में, बिहार के इस क्षेत्र में कैंसर के मरीज थोड़ा सा लगता है बहुत संख्या में मिल रहा है, तो उनको स्क्रीन करने का हमारा मेन पर्पस है। और ये निःशुल्क हो रहा है? हाँ जी, जिसकी बीमारी पैदा उसके साथ उसके साथ आगे क्या व्यवस्था है, सुविधा है उनके लिए? एक बार जब बीमारी यहाँ पे मिल जाती है और उसका डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर उसको कुछ क्राइटेरियाज है जिसमें कि उस व्यक्ति की जो सालाना आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर वो उसके पास उपलब्ध है और बायोप्सी का प्रूफ है कि वो कैंसर है तो वो मेडिकल कॉलेज में के किसी भी डिपार्टमेंट से जा करके वहाँ पे उनको दिखा सकता है, वहाँ से उनका रेफरल बनता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस,
एक बार ये रेफरल बन जाने के बाद यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड हो जाते हैं वो सेक्रेटेरिएट में हेल्थ डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ से उसका फाइनल अप्रूवल हो जाता है और फिर ये मेदांता को भी जानकारी पहुँच जाती है कि फलाना पेशेंट को का इलाज करना है। एक बार ये जैसे ही होता है तो पेशेंट को वहाँ हम लोग वहाँ कॉल जाता है और पेशेंट को वहाँ बुला लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग एक सप्ताह से कम लगता है, 5-7 दिन। कितने डॉक्टरों की टीम आई होगी मेदांता से? मेदांता से अभी आज 4 डॉक्टर्स हैं जिसमें 3 अभी डॉक्टर्स अभी उपलब्ध हैं जो पेशेंट हैं। कौन कौन से विभाग के जहाँ पे? मैं सर्जिकल ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। डॉक्टर साहब रेडिएशन डॉक्टर निशांत हैं, रेडिएशन ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट से आए हैं और एक और डॉक्टर साहब डॉक्टर अभिषेक हैं वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट किडनी डिपार्टमेंट। एक दिवसीय एक शिविर लगाया गया, आगे भी लगाई जाएगी इसे? हाँ बिल्कुल, ये मैंने बताया ये पिछले 3-4 महीने की अवधि में दूसरा कैंप है और सक्सेसफुल कैंप। पिछले इस 3 महीने में 18 पेशेंट यहाँ से कैंसर के इलाज का इलाज हुआ और वो भी इसी कार्यक्रम के तहत और मुफ्त